वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आरफी स्टूडियो से आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग जो कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कुछ मेरे माइंड में है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें अडोब फोटोशॉप, मूवी एडिटिंग, मूवी मिक्सिंग, मूवी ड्रोन कवरेज, उसके अलावा फोटोग्राफी, एक्स वाई जेड जो भी हमारे फील्ड में यूज़ होता है, वो चीज़ जो कुछ हमारे पास है, जो मेरे माइंड में है या मेरी टीम के पास है, मैं आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा। आज हम अब्दुल्लाबाद चर्च में हैं, यहाँ पे एक थोड़ा फ़ोटो शूट करना है हम लोगों ने। उसके लिए आज मेरे पास कैमरा 80D है कैनन, और उसके साथ 85mm 1.8। अभी मेरे कैमरामैन आपको व्यू दिखाएंगे। ये चर्च है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अभी शाम का टाइम है, तकरीबन मगरब का टाइम होने वाला है। इस टाइम की हम फोटोग्राफी दिखाएंगे आपको कि लेट नाइट में, वो भी आपको हम इनसे बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे कि लेट नाइट में फुल अंधेरा हो जाए उस टाइम कैसे फ़ोटोशूट करना है, शाम के टाइम कैसे करना है, धूप में कैसे करना है। ये चीज़ें आपको साथ स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता जाऊँगा। इस टाइम मेरे साथ आज बिलाल है। बिलाल आ जाओ। आज मेरे साथ बिलाल है, इनका मैं फ़ोटोशूट करूँगा, आपको मैं साथ साथ समझाता जाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए मेरी वीडियो को। जैसे जैसे मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ट्रेनिंग देता जाऊँगा, इंशाल्लाह जो कुछ मेरे माइंड में है मैं आपके माइंड में पहुँचा दूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़ोटोशूट। तो मैं दोबारा से बताता हूँ, मेरे पास आज 80D है और साथ में एक 85mm 1.8 लेंस है। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा कैमरा कोई भी है, उस पर हमने ये चीज़ लगाई होती है, इससे एक कैमरे की बहुत सेफ्टी होती है, उसकी बॉडी जो होती है। कल को एक कैमरा आपका रीसेल भी अच्छा हो जाता है, उसमें आपकी बॉडी जो है उसकी 10x10 रहती है इसमें, ठीक है। तो मेरा आप सबको मशवरा है कि अगर आपके पास कैमरा है, भले हल्का है, भले अच्छा है, भले कोई भी है आपके पास, तो उसके ऊपर आप ये कवर लाजमी लगाएं। इससे ये होगा कि आपका कैमरा सेफ्टी में रहेगा, उसकी बॉडी जो है उसका मतलब उसके ऊपर डस्ट और बाकी जो उसके स्क्रैच वगैरह होंगे उससे बचा रहेगा और 10x10 रहेगा। थैंक यू गाइस। मेरे पास मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या, और मेरे पास AD600BM वाटर फ्लैश है, ठीक है। इसको हम विदाउट सॉफ्ट बॉक्स, विदाउट अम्ब्रेला यूज़ करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस सॉफ्ट बॉक्स कैसे यूज़ करना है। और अम्ब्रेला को मैं दिन को पहले आपको पहली एपिसोड में मैंने बता दिया था कि कैसे करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोशूट, और हमारे साथ हैं बिलाल, और ये हम चर्च में हैं इस टाइम, और थोड़ी देर के लिए हम कैमरे के बारे में मैंने बता दिया था। ये ट्रैगर होता है, ये गॉडस फ्लैश के साथ होता है, ये आप लेंगे तो गॉडस फ्लैश आपकी चलेगी। तो मेरे साथ आज बिलाल है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी जो इस टाइम कैमरा सेटिंग है वो ISO 800 पे है, मेरा अपर्चर 2.8 पे है, और मेरा जो स्पीड है शटर स्पीड वो 160 पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक फिक्स लेंस होता है, इसमें आपको खुद आगे पीछे आना पड़ता है, थोड़ी थकावट है लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट है इसका। इसके लिए थोड़ी सी भी आपको समझनी पड़ेगी, इसकी फोकसिंग पॉइंट जो है वो चीज़ आपको कैमरे में समझनी लाजमी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊँगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी सेटिंग जो है वो ISO 800 पे है, और 2.8 मेरा अपर्चर है, और शटर स्पीड जो है वो 160 पे है। आपको भी एक शॉट लेना है हमने पूरी बिल्डिंग का, चर्च के लिए जिसकी स्पेशल हम लोग यहाँ पे आए हैं,
तो उस चीज़ का थोड़ा सा मैं आप क्योंकि ये मेरे पास 85 mm है, इसमें हमें बहुत दूर जाके थोड़ा मतलब काफ़ी दूर जाके 18-55 या 24-70 से काफ़ी अटके है ये चीज़, ये दूर जा खड़ा होना पड़ता है कभी, क्योंकि 85 में आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उस हिसाब से मैं अभी शॉट लूँगा, फिर आपको अपनी स्क्रीन पर हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह की पिक्चर आई है। तो देखिए जी गाइज, आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने 85 mm, 100 और 80D के साथ शूट किया है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले में देख लिया होगा आप लोगों ने। तो जो कैमरा आपके पास है वो बहुत अच्छा है, जो हमारे पास है वो भी बहुत अच्छा है। लाजमी नहीं है एक अच्छा कैमरा अच्छी फोटोग्राफी, आप नॉर्मल कैमरे से भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इसमें यह है कि आपको थोड़ा कैमरे की सेटिंग, ISO, अपर्चर, शटर, ये तीन चीज़ें मेन है, ये आपको समझनी पड़ेंगी। अपर्चर का क्या फंक्शन है, शटर का क्या फंक्शन है, ISO का क्या फंक्शन है। मैं आपको आज एक स्टेप बता देता हूँ कि ISO जो होता है वो ब्राइटनेस के लिए होता है, ब्राइटनेस डाउन करने के लिए, आपका जो IRS होता है उसको खोलने बंद करने के लिए होता है ये ISO, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो इसके साथ स्पोर्ट्स चीज़ें होती हैं, जैसे गार्डन फ्लैश है, गन फ्लैश होती है, इसकी अपनी फ्लैश होती है, वो चीज़ें भी इसी मतलब साथ स्पोर्ट जो मतलब जो आपकी सेटिंग होती है उसको बार बार चेंज करना, बार बार आगे पीछे करना, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हम लोग भी सीखे हैं, थोड़ा बहुत आता है हमें, तो आप लोग भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमसे सीखते रहेंगे। इसके अलावा गाइज अभी मैं ज़्यादा चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बोली है कि अगर आपने काम सीखना है ये, तो आपको अडोब फोटोशॉप, ADS, मूवी एडिटिंग, मूवी मेकिंग, कैंडेक स्टाइल में, उसके अलावा आपको कुछ भी XYZ आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है। उसके अलावा ड्रोन फ्लाइंग, ये सब कुछ है नहीं, जो कुछ हमारे पास है या मेरे माइंड में है या मेरी टीम के पास है वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जाना चाहता हूँ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।